हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं सक्सीजन इन लिथोसियर की। एक पहाड़ पर सक्सीजन कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड वाटर की कमी होती है, तो वहाँ पर प्लांट कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है उसी के अबाउट हम स्टडी करेंगे, कैसे वहाँ पर एक फॉरेस्ट जो है कि डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम मनीष पटेल, और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जोन हमारा जो है वह बड़े एरिया। ठीक है, बड़े एरिया का मतलब जहाँ भी कोई भी प्लांट कम्युनिटी डेवलप नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्लांट डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि वाटर की कमी है यहाँ पर, एंड बहुत हाई टेम्परेचर है, जिस वजह से यहाँ पर प्लांट कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड सपोज कर लेते हैं ये लाइकेन है। ठीक, एंड अगला जो स्टेज होता है वह लाइकेन का होता है। ठीक, जो लाइकेन होता है, सपोज कर लेते हैं ये लाइकेन किसी भी मीडियम पे द्वारा इस बड़े एरिया में आ गया। ठीक, अब इस बड़े एरिया में तो आ गया। अब लाइकेन भी जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। अब इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइकेन आखिर में कहते किसे हैं। जो लाइकेन जो होता है यह कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, तो जो समझ में आएगा आपको, तो जो लाइकेन जो फर्स्ट हमारा है वो क्रस्टूज लाइकेन है। क्रस्टूज में एग्जाम्पल क्या है? राइनोडीना। जो क्रस्टूज लाइकेन होता है यह वाह टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा एंड वाटर की कमी रहेगी, उसमें जो है कि यह क्रस्टूज लाइकेन आसानी से सरवाइव कर लेता है। ठीक है, इसकी यही एक विशेषता है, हाई टेम्परेचर एंड वाटर डिफिशेंसी में आराम से सरवाइव कर लेगा। ठीक है, राइनोडिया। एंड इसके साथ ही साथ यह जो कुछ एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो हमारे रॉक होते हैं ना, हमारे नराक ने मतलब जहाँ पर यह ग्रो करेगा उस रॉक को यह तोड़ेगा भाई, जो एसिड सरवाइव करेगा, तो एसिड जो बहुत ही जो है कि खतरनाक होता है, वो जो है कि जो रॉक होते हैं उसको तोड़ देता है। इसके अलावा भाई क्रस्टूज लाइकेन है, ये रिप्रोडक्शन भी करेंगे, इसके अलावा इनकी मृत्यु भी होगी भाई। जब मृत्यु होगी तो ऑर्गेनिक मैटर्स भी बनेंगे, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो उन्हीं रॉक पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो एक सरफेस बन जाता है। ठीक, इस फोलियज लाइकेन के ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है कि जमा हो गए हैं। अब जो फोलियज लाइकेन का एग्जाम्पल होता है पार्मिलिया। ठीक है, जो फोलियज लाइकेन होते हैं इनकी जो पत्ती होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है एज कंपेरिजन टू इनके, तो ये लार्ज अमाउंट में जो है कि वाटर को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लार्ज अमाउंट में फूड बनाएंगे एंड ये रिप्रोडक्शन भी तेजी से करेंगे। इसके अलावा जो फोलियज लाइकेन होता है, इस क्रस्टूज लाइकेन की तरह ये भी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो हमारी जो रॉक पार्टिकल होते हैं वो और स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो फोलियज लाइकेन होते हैं ये मरते हैं, या फिर इनकी जो डेथ होती है तो ये ऑर्गेनिक मैटर्स बनाते हैं, तो ये उन्हीं जो है कि स्मॉल पार्टिकल्स हमारे रॉक पार्टिकल जो पहले से बनाए गए हैं ना, उन्हीं के साथ यह मिक्स होते हैं एंड फॉर्मेशन है स्मॉल थिन लेयर, जो एक मट्टी की पतली लेयर बना लेते हैं। ठीक है, इस मॉसेज के लिए, क्योंकि यह बिना मिट्टी के मॉसेज ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट दूसरे के बाद तीसरा ये जो है मॉसेज स्टेज है। ठीक, अब ये मॉसेज स्टेज में जो है ना ये पॉलीट्राइचोम आता है, तो भाई ये फोलियल लाइकेन की तरह जो बनाया गया सरफेस है मॉसेज की ग्रो करने के लिए सुटेबल हो गया है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम केवल सपोज ही करेंगे, जो सक्सीजन होता है या फिर जो अनुक्रमण हिंदी में इसे कहते हैं, यह केवल केवल हम सपोज करेंगे कि हाँ इतने साल पहले ऐसे ऐसे हुआ होगा, कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है, ऐसा हमारा कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं कि नहीं ऐसा 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 ही हुआ होगा, बस हम सपोज कर लेते हैं। हाँ ऐसे बड़े एरिया हुआ होगा, लाइकेन वहाँ पर आया होगा, क्रस्टूज आया होगा, फोलियो जो आया होगा, मॉसेज आएंगे, हर्ब आएंगे, सर्व आएंगे, फॉरेस्ट बनेगा, केवल हम बस सपोज कर लेते हैं कि हाँ ऐसे 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 हुआ होगा, एक्चुअली में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा हमें नहीं पता, इसलिए हम बस यहाँ बस सपोज करेंगे वो कर सके। ठीक है, अब सपोज के लिए उस बेस पर कोई स्पोर जो है कि बायोवाइन के द्वारा आ गया। ठीक है, अब वो
ग्रो किया वहाँ पर एंड रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बहुत बढ़ा लिया। जो पहले आए रहेंगे वो उनकी मृत्यु भी होगी, अब मृत्यु भी होगी तो जाहिर सी बात की ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो बहुत सारा जो है कि ऑर्गेनिक मैटर्स बनता है। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर्स बनेगा और वो मिट्टी के साथ क्या होगा कंबाइंड होगा, तो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति रहती है फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ उस मिट्टी में वाटर को रोकने की क्षमता और क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है वह हर्ब स्टेज होता है। ठीक, वो कर सके। ठीक है, अब सपोज के लिए उस देश पर कोई स्पोर जो है कि बाय वाइन के द्वारा आ गया। ठीक, अब वो ग्रो किया वहाँ पर एंड रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बहुत बढ़ा लिया। जो पहले आए रहेंगे वो उनकी मृत्यु भी होगी, अब मृत्यु भी होगी तो जाहिर सी बात की ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो बहुत सारा जो है कि ऑर्गेनिक मैटर्स बनता है। ठीक, जब ऑर्गेनिक मैटर्स बनेगा और वो मिट्टी के साथ क्या होगा कंबाइंड होगा, तो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति रहती है फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ उस मिट्टी में वाटर को रोकने की क्षमता और क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ठीक, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है वह हर्ब स्टेज होता है। ठीक, उसके तौर जो बनाया गया सरफेस है जो बेस एरिया है वह इसके जर्मिनेशन के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक, जो सीड जर्मिनेशन इसके साथ साथ जो ग्रास डेवलप होते हैं ना उसके लिए अति आवश्यक होता है इसके बनाया गया जो बेस एरिया होता है, क्योंकि इसी द्वारा बनाया गया जो बेस एरिया होता है उसमें हाईली ऑर्गेनिक मैटर और उसके साथ साथ जो वाटर को रोकने की क्षमता होती है वह डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो हर एरिया में हम एस्टिडिया को लेते हैं एंड स्टेज आता है उसे सब स्टेज कहते हैं। ठीक, जो सब स्टेज होता है ना हर स्टेज के बनाया गया के द्वारा बनाया गया जो एरिया होता है ना वो हायर प्लांट के डेवलप के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं साथ साथ वाटर को रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जो सर्व होते हैं या बाय सीड या फिर बाय राइजोम के द्वारा ग्रो करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो सर्व होते हैं इनमें सनलाइट को फेस करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद जो हमारा स्टेज आता है उसे फॉरेस्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज में होता यूँ है कि जो हमारे रॉक होते हैं ना वह टूटते रहते हैं, उसके साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वह बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से जो प्लांट डाइवर्सिटी होती है वह इंक्रीज करती है। वह कुछ समय कुछ हज़ारों वर्षों बाद वहाँ पर एक फॉरेस्ट जो है कि डेवलप हो जाएगा, वहाँ पर आपको कई सारे जो है कि प्लांट दिखाई देंगे, बहुत सारी स्पीसीज को प्लांट दिखाई देंगे एंड उसी को हम क्या कहेंगे फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है, सो हमारा यही ओवरऑल लिथोसियर सक्सीजन था। ठीक है, कैसे पहाड़ पर एक फॉरेस्ट जो है कि डेवलप हो जाता है एक बड़े एरिया से। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे प्लांट कम्युनिटी, ये प्लांट कम्युनिटी होता है क्या है। तब तक के लिए बाय बाय।